आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है यार। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो आप कैसे दो कि आपका एग्जाम है बढ़िया से हो जाए। बिकॉज यार अभी लॉकडाउन लग गया है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिससे कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे या फिर सेकंड ईयर वाले बच्चों को पता नहीं चला है। बिकॉज अभी जो थर्ड ईयर में लाइक मैं हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीजें पता चल गई थी। बिकॉज मैं 1 साल कॉलेज में रह के गया था और अभी भी मैं कॉलेज में हॉस्टल में हूँ तो मेरे को काफी चीजें पता है यार यहाँ की ऑनलाइन एग्जाम कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं इससे पहले 3 एग्जाम ऑनलाइन मोड में दे चुका हूँ। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का मेरा जो आर एग्जाम वो दिखाऊंगा कैसे देने वाला हूँ तो वो भी मैं दे चुका हूँ। अगर यार आपको ब्लॉग देना काफी ज्यादा पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ब्लॉगिंग ज्यादा मैं करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी मैं बहुत कम बना रहा हूँ। तो अभी मेरे को लगा कि यार उन बच्चों को बता देना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में अभी तक वो कॉलेज भी नहीं गए तो उनको कैसे फेस करें अपना ऑनलाइन एग्जाम को कि बढ़िया से उनका निकल जाए। तो सबसे पहले यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 पॉइंट बना रखे हैं, यहाँ पर बना रखा है मैंने, उस पॉइंट से बताऊंगा कि आपका एग्जाम बढ़िया से निकल जाए। एंड अगर आपको कोई क्वारी आती है, बहुत सारे आप में से बच्चे मेरे से पूछते हैं इंस्टाग्राम पे आके, पर्सनली डीएम करते हैं तो काफी अच्छा लगता है यार। आप भी करो अगर आपके पास कोई क्वारी है रिलेटेड टू कॉलेज, बिकॉज अभी जो लॉकडाउन लगा है उसमें यार बहुत सारी चीज आपका मिस आउट हो चुका है। कुछ भी आपको मतलब कि बुक्स के बारे में भी नहीं पता है, बहुत सारी चीज असाइनमेंट के बारे में नहीं पता, एमएसटी के बारे में नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अभी यार अपन आ जाते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर कि अगर आपको प्रिपेयर करना है अपने एमएसटी के लिए तो कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपका एमएसटी बढ़िया से निकल जाए अगर आपका ऑनलाइन मोड है। अब यार यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्जाम है आपका दो तरीके से हो रहा है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर आ जा रहा है और आपको सॉल्व करके और आपको अपलोड करना पड़ रहा है। किसी में है कि यार आपको अपना पेपर जो है आपको उसके मतलब कि व्यूअर के सामने सॉल्व करना पड़ रहा है, व्यूअर यानी कि जो आपका टीचर है उनके सामने कैमरा ऑन करके, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में अलग से बात करूंगा। अभी मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका क्वेश्चन पेपर आता है और आपको सॉल्व करके उसे अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि यार वो बेस्ट तरीका रहता है, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ जो आप रियली चाहते हो कि आप पढ़ के दो एग्जाम, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप घर पे हो या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, अगर आपसे टीचर से इंट्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो पहले थोड़ा सा इंट्रैक्शन बना लो। बिकॉज तो पहला पॉइंट यही है, आस्क योर टीचर्स, अपने टीचर से पूछो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है इन सब चीजों में, उनको पता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में उन्हें पता रहता है। तो अगर आप उनसे जाके पूछते हो तो 101% आपको बताएंगे कि ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये जरूर आने वाला है। बिकॉज जो 8 नंबर का या फिर 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं 101% रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, क्योंकि वो आपके टीचर्स भी बोलेंगे कि इसको जरूर स्ट्रांगली तैयार कर लेना। बिकॉज जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं फिर 1 नंबर वाले वो यार थोड़े क्रिटिकल होते हैं, वो टू द पॉइंट डेफिनेशन देनी पड़ती है, वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। बट जो 4 नंबर 8 वाले नंबर है ऑन द स्पॉट आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहे होंगे वो क्वेश्चन। तो अब यार बात कर लेते दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो दूसरा पॉइंट यही है हमारा असाइनमेंट प्रिपेयर करना। आपने देखा होगा कि आपके 2 एमएसटी हो रहे होते हैं, अभी किसी किसी के 1 भी हो रहा होता है, किसी किसी 4-4 भी एमएसटी होते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा मेरे 2 एमएसटी होते हैं, उस दोनों एमएसटी से पहले मेरे को असाइनमेंट मिलते हैं। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने असाइनमेंट आपको दे रहा है, बट मेरे को 2 मिलते हैं, 2 मेरे को फुलफिल करना पड़ता है। जो असाइनमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमएसटी के लिए, बिकॉज अगर आपको एमएसटी से पहले असाइनमेंट मिल रहा है तो वो समझ लो कि आपका एमएसटी है। बिकॉज उसमें 1 नंबर या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी जो 8 नंबर या 4 नंबर में आ रहे हो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो आप अगर एमएसटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो असाइनमेंट जरूर पढ़ लेना। अगर आपके एंड सेम के लिए पढ़ ले तो अगर आपने असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है बढ़िया से तो आप पास जरूर हो जाओगे, 101% मैं कह रहा हूँ। बिकॉज मैंने कई बार ट्राई कर रखा है, मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है तो बता रहा हूँ आपको। अभी आप स्किप मत करना वीडियो को, बिकॉज इस वीडियो को बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ। और अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगर आप सही में चाहते हो कि आपके मतलब कि एवरेज से ऊपर नंबर आए तो आप यार एक क्वेश्चन पेपर ले लेना, मतलब कि प्रीवियस ईयर के, हर कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो आप सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा एक फैमिली वाला रिलेशन आ जाएगा क्वेश्चन पेपर के साथ। बिकॉज आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है और किस टाइप से आपको जवाब देना है, बिकॉज कुछ कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, तो आप उसको जरूर प्रिपेयर कर लें। और जो लास्ट पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको चाहिए कि 60 में से 55 आ जाए या फिर उससे अबव आए या फिर आप 55 के रेंज में रहो तो आप एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। बिकॉज जो सैंपल पेपर रहेगा आपको यार एक
फैमिली वाला डिसीजन, अगेन में बोला फैमिली वाला डिसीजन देगा, बिकॉज उससे मैं आपको क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस जाएगी, आपको यार लगेगा नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज यार उसमें बहुत सारे आपको जवाब देना आ जाएगा क्वेश्चंस का कैसे टैकल करना है, बिकॉज आपने देखा होगा कि बोर्ड्स एग्जाम्स जो थे आपके, बोर्ड में काफी ज्यादा आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा तो तभी आप बोर्ड के एग्जाम में बैठते हो। तो वही मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपको एंड सेम में बैठना है, बिकॉज यार मैंने जो अपना थर्ड सेम का एग्जाम दिया था उसमें यार मैथ मेरी सप्ली आई थी, नो डाउट जो रियलिटी है, तो उसमें मैंने मैथ का सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया था, बाकी सबका मैं सॉल्व करके गया था। बस 10 दिन मिले थे मेरे को, बिकॉज लॉकडाउन था, तुरंत आया, 10 दिन बाद मेरे पेपर थे ऑफलाइन मोड में, तो मैंने बस सबके सैंपल पेपर सॉल्व किया, बिकॉज यार मेरे को लगता था मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैंने उस पर कम फोकस किया, तो वो मेरी एक मिस्टेक थी। एंड आप ऐसा कभी मत करना, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस मत कर लेना कॉलेज में आके, आई नो यहाँ पर पढ़ाई थोड़ी कम करनी पड़ती है, बट आप सीरियस वे में हर चीज को लेना। तो 10 दिन में यार मैंने बस सैंपल पेपर पढ़ के गया था और उसमें सब में मेरे ए प्लस आ रखे हैं ग्रेड। अभी बस मैथ में मेरा सप्ली लग गई थी लेकिन अब मेरी क्लियर है वो, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये सारा कुछ कर लिया पॉइंट पे आपने फोकस कर लिया तो 100% आपके ओवर द एवरेज आपके मार्क्स आ जाएंगे ऑनलाइन में। और आपको अगर टिप्स एंड ट्रिक देखना है कि आप चीटिंग कर सकते हो या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हो, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर लेना, बिकॉज आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो और आपको कई सारी वीडियो और मैं दूंगा ऑनलाइन पेपर के रिगार्डिंग, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ऑनलाइन पेपर को लेके, कैसे आएगा, कैसे क्या करना है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है उसके बारे में, और कुछ मतलब कि आपको पूछना है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरे को पर्सनली डीएम में आके डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी, अगर आपको लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं समझूंगा कि आपको अच्छी लग रही वीडियो और चाहिए आपको ऐसी वीडियो, तो मैं आप फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा इस टाइप की वीडियोस कि ऑनलाइन पे कैसे वर्क करना है, ऑनलाइन पेपर को कैसे देना है, बिकॉज मैंने 3-4 बार दे रखा तो मैं बिल्कुल आराम से फ्रेंडली टाइप में आपको बता सकता हूँ जैसे अभी बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।